दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को 20 मिनट तक फ्लाई ओवर पर रोके जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। के एस चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो टीम है उन्होंने वापस लौटने का जो फैसला किया वह बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। एक्चुअली ये जो सिख कौम है ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल कौम है और किसी चीज का अगर यूज नहीं होता है तो उसका मिसयूज हो जाता है। वैसे ही कई बार इनका ऐसी कौमों का मिसयूज करने का लोग तरीका ढूंढते रहते हैं। जैसे इस साल कम से कम कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा की गई हैं जिससे कि कोई बवाल हो और वहां पर गोलियां चले। जैसे कि हम 26 जनवरी की घटना को देख लेते हैं। 26 जनवरी की घटना बहुत बड़ी घटना थी जो लाल किले में घटना हुई। तो विपक्ष या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये चाहती थी कि वहां पर गोलियां चले ताकि राजनीतिक का गंदा खेल खेला जा सके। और ये भी जो कल घटना हुई उसमें भी जो प्रधानमंत्री जी का जो उनकी टीम है जो उन्होंने वापस जाने का जो फैसला लिया वो बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, ताकि कोई अप्रिय घटना वहां पर न घट सके। ये टोटली राजनीतिक है और कुछ नहीं है और सिर्फ बलि का बकरा एक कौम को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये कौम दिल से जीती है। आज से हम लोग 7 वर्ष पहले देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी का वक्तव्य में या कोई भाषणों में कहां नाम आता था। आज तो ये बोला जाता है कि बाल दिवस के रूप में हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की जो शहादत दिवस है और जो उनके जन्मदिन है उसमें बाल दिवस मनाया, क्योंकि ये पहले जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो एक अलग टाइप का था, वो भी राजनीति थी। और ये जो इतिहास अभी पढ़ाया जा रहा है बहुत ज्यादा अभी पाठ्यक्रम में भी कहीं कहीं पाठ्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आता है और बहुत सारे और जो महापुरुष रह चुके हैं उनका नाम आता है। तो बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं जिसको कि ये तोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पर भीड़ नहीं थी। मेरे पास वीडियो है जब पानी गिर रहा है और वहां पर भीड़ है। और दूसरा जब आपका जो आप वीडियो की बात बोल रहे हैं वहां पर जब ये घोषणा हो गई कि प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, पूरी सब चीजें खत्म हो गई, उसके बाद वहां पर वीडियो किया गया और उसके बाद भी दिखाया गया। आप एक एज्यूम करके देखिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 70,000 कुर्सियां लगी हो और उसमें सिर्फ 700 या 500 लोग हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर मान लीजिए कि ये वाली घटना अगर नहीं घटती अगर वापस ले जाना पड़ता तो प्रधानमंत्री तो जाते वहां पर सभाग्रह में। इवन लोगों को वहां पर जाने से रोका गया है, ये षड्यंत्र रोका गया है कि कहीं ना कहीं वो सभा जो है वो खराब हो। और प्रधानमंत्री जी वहां पर घोषणा करने वाले थे, उस घोषणा का लाभ भारतीय जनता पार्टी का लाभ अच्छा है और उस घोषणा का लाभ आपने पंजाब की जनता को नहीं होने दिया।